हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज हमारे पास ये देखिए सैमसंग कंपनी का दोस्तों CRT टीवी आया हुआ है। दोस्तों आइए चलिए इसे चला के देख लेते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। दोस्तों सबसे पहले इसे चला के देखें। ये देखिए ये प्लग है दोस्तों हमारा, ये हमने डाल दिया है इसमें। देखिए इसके अंदर लाइट भी आ गई है और दोस्तों सेट चालू भी हो गया है। देखें दोस्तों, देखिए दोस्तों सेट चालू हो गया, मगर इसमें क्या है पूरा वाइट ही वाइट दोस्तों। देखिए पूरे में वाइट वाइट हो रहा है दोस्तों। ना डिस्प्ले आ रही है दोस्तों, ना कुछ आ रही है, ऐसे ही वाइट वाइट रहे दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों फटाफट इसमें कमेंट करके बताइए जिसको पता है कि इसमें दोस्तों क्या खराब हो सकता है। चलिए मैं जब तक टीवी खोलता हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों टीवी को खोलते हैं। देखिए दोस्तों हमने टीवी खोल लिया है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये फॉल्ट हमारा फोकस का है। तो दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में आपको जहाँ ख़राबी होती है दोस्तों उसी पॉइंट पर ले जा कर समझाता हूँ, क्योंकि पूरी प्लेट में इधर उधर घुमाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें देखिए क्या होंगे, क्या कमी निकली है। ये देखिए हमने गौर से देखा है, ये देखिए दोस्तों हमारी, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर हमारे फोकस की जो तार है, ये देखिए तो आप अगर दिख रहा हो तो आपको फोकस की तार दोस्तों ये गल के दोस्तों टूट गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे इसी को लगा के देखते हैं और फिर देखते हैं ये फॉल्ट रहता है या क्या फॉल्ट रहता है। दोस्तों वैसे तो दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट किसी का ही होता है। ये देखिए योग की फोकस की तार ESD से जाती है दोस्तों, ये यहाँ से, ये देखिए ESD से निकलती हुई दोस्तों ये बेस के पिन में घुसती है दोस्तों। यहाँ पे हमारा बेस की पिन होती है जो। आइए चलिए इसे लगा देते हैं, फिर लगा के दोस्तों फिर देखते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों हम इसको बेस को बड़े आराम से दोस्तों पीछे की तरफ हिलाते हुए, धीरे धीरे हिलाते हुए दोस्तों इसको निकालेंगे। ये देखिए निकाल लिया है हमने। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों इसमें ब्रश मार लेते हैं, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, काला हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम ब्रश मार लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा साफ सा लगे, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। अब इसे दोस्तों क्या करेंगे, इस तार को दोस्तों छील लेंगे। पहले इसको छील के दोस्तों जितना ये वाइट वाइट दिख रहा है इतना ही छील लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने इसको छील लिया है और छील के दोस्तों इस पर हल्का सा सोल्डरिंग कर देंगे। और दोस्तों इसके अंदर हमारे इस पिन में ही, इसमें जो बेस में दोस्तों ये छेद है जिसमें ये घुसेड़ना है, ये दोस्तों लॉक है हमारा। ये लॉक दबा के दोस्तों इसके अंदर जो इसके जो तार टूटी होगी दोस्तों थोड़ा सा ठोक के उसको निकाल देंगे। पिन दबा के हमारा निकल चुका है दोस्तों ये। आइए चलिए इसको अब लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों बस इसको ऐसे घुसेड़ देना, अपने आप दोस्तों लॉक लग जाएगा। ये देखिए, आइए और फिर दोबारा जैसे बेस निकाला था दोस्तों उसी प्रकार हल्का हल्का घुमा के दोस्तों ऐसे धीरे 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 हिलाते हुए इसको अंदर की तरफ घुसेड़ देंगे। और दोस्तों हमारा टीवी ये काम हो गया है। आइए इसको एक बार चला के दोस्तों फिर देखते हैं हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ। देखिए दोस्तों टीवी चालू किया हमने। ये देखिए दोस्तों टीवी हमारा दोस्तों ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो दोस्तों कई बार क्या है छोटी छोटी चीज़ों से भी दोस्तों
बहुत बड़ी ख़राबी दिखती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।